Good morning, dear modern champs. How are you all? I'm here with your grammar book again. So take out your grammar books and open page number 11. Subject and predicate. हमने आपको बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था सेंटेंस के बारे में और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के भी बारे में मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम बात करते हैं और प्रेडिकेट वो होता है जो वो बात कर रहे होते हैं. लाइक माय अंकल इज़ वेरी टॉल. माय अंकल यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट क्योंकि अंकल की हम बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबे हैं. तो ये हो गया उनके बारे में बात करना. ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने अपनी एक्सरसाइज 2 भी कर ली थी. इसमें था हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अ गोट क्लाइम्स अप द हिल. अ गोट क्लाइम्स अप द हिल. जो एक बकरी कहाँ चढ़ रही है, हिल्स पर चढ़ रही है. बकरी हिल्स पर चढ़ रही है. तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सब्जेक्ट जो है बच्चों हमारा गोट है. बेसिकली हम कह सकते हैं कोई अगर नेम अगर वहाँ पे मैंशनड हो तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब करना वर्क है तो ये हमारा वर्ब हो गया. अगर हम किसी वर्क की बात करते हैं तो वो हमारा वर्ब है. और वो वर्क किस चीज़ से किया जा रहा है, किस थिंग का यूज़ करके किया जा रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर गोट जो है वो सब्जेक्ट है, क्लाइंब जो है वो वर्ब है और हिल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मीन्स किसी का नेम, ऑब्जेक्ट वर्ब मीन्स वो वर्क जो वो कर रहा है और ऑब्जेक्ट मीन्स वर्क करने में जो वो थिंक यूज़ कर रहा है. तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करा चुकी हूँ. अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की बात करेंगे. हमें देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आपका पहला सेंटेंस आपको करके दिया हुआ है, कैट्स एंड मिल्क. तो कैट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, ये आपको करके दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, टॉम एंड हिज डॉग, बुलेट्स एंड कार्ड्स, द सन इन एंड द स्काई, बर्ड्स ट्रीज, काउस एंड ग्रासेस. नेक्स्ट है बर्ड्स एंड विंग्स, इंडिया इंडिपेंडेंस, अर्थ एंड द सन. तो ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको सेंटेंस में बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे पता है कि आप सब बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसे एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी. तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स क्या. सो हेयर इज़ द आंसर फॉर यू ऑल. सी दिस, योर फर्स्ट वॉज कैट्स एंड मिल्क. तो ये आपको किया हुआ दिया था. नेक्स्ट था टॉम एंड हिज डॉग. तो टॉम लव्स हिज डॉग. बुलक्स एंड कार्ड्स. बुलक कार्ड यूज फॉर ट्रैवलिंग. सन एंड द स्काई. द सन एंड द स्काई. द सन इज इन द स्काई. बर्ड्स लिव्स ऑन ट्री. बर्ड्स एंड ट्री दिया हुआ था ना. काउस एंड गोट. ग्रास इसका है, काउ ईट ग्रास. ठीक. बर्ड्स हैव विंग्स. इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. एंड द लास्ट वन इज द अर्थ एंड द सन. तो द अर्थ इज वेरी फार फ्रॉम द सन. दिस इज योर एक्सरसाइज वर्क. इसे आप अपने बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करना है. कॉपी वर्क मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ. जो भी था आपका, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखनी थी उसमें, और एक्सरसाइज वन आपको उसमें करनी थी. ये कोई भी एक्सरसाइज आपकी कॉपी में नहीं रहेंगी, ये बुक वर्क है आपका, आपको इन्हें बुक में करना है. और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.